हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 40 ऑफ सी सेट पेपर, जो कि 5 जून 2022 को हुआ था। उसका हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली 41 to 80 नंबर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। हाँ जी, 41 से 44 तक बेटा इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, जो कि इंग्लिश की डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 5 friends PQR XYZ परचेज्ड सम नोटबुक्स। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। जेड परचेज 8 notebooks मोर देन एक्स डिड। जेड जैस जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसको आप स्मॉलर फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल टर्म के अंदर नोट डाउन कर लिया करो। क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि जेड परचेज्ड 8 notebook मोर देन एक्स। एक्स से 8 notebooks ने ज़्यादा परचेज करी। ओके, पी एंड क्यू पर टूगेदर परचेज 21 notebook। पी एंड क्यू कितनी नोटबुक परचेज करें, 21 notebooks। क्यू परचेज 5 notebooks लेस देन पी। P से 5 लेस है, दैट मीन्स कि P माइनस Q क्या हो गया आपके पास में। हाँ जी, 5। अब यहाँ पे आपके पास में ये जो दो टर्म्स है उससे मुझे क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 26/2, दैट मीन्स कि 13। एंड Q इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, 8। ये दो टर्म्स मिल गए मुझे P और Q की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, X एंड Y टूगेदर परचेज 28 notebook। X एंड Y कितनी है, 28 notebooks। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है बेटा, P purchased 5 notebooks more than X did। P ने कितनी परचेज करी है, 5 notebooks more than X, that means कि X ने कितनी परचेज करी है, 5 notebooks less than P। ओके, तो X की कितनी है, 5 less than P। P की कितनी है, 13। 5 less than, that means कितनी हो गई, 8। X की कितनी है आपके पास में, 8, दैट मीन्स कि अगर X की 8 है तो Y की कितनी हो जाएंगी, 28 minus 20, दैट मीन्स कि 20। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में Y की आ गई बेटा 20, X है 8 आपके पास में, P Q की वैल्यू आ गई, क्या रह गया, Z। अगर हम Z को देखते हैं तो Z क्या है, X प्लस 8। X की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 8, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास में, 16। क्लियर, सारे के सारे इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। ये है कि इफ ईच नोटबुक इज प्राइज्ड ₹40, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स। द प्राइस ऑफ 1 notebook इज 40। अगर हम टोटल नोटबुक्स देखते हैं तो टोटल कितनी होगी आपके पास में, टोटल कितनी होगी, एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस जेड, मीन जितनी भी हैं ये आपके पास में सभी का टोटल कर लोगे। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 8, वाई इज 20, ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 21 एंड जेड इज इक्वल टू 16। अगर टोटल आप इसका करते हो तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में 8, 7, 15, ठीक है, और ये हो गया बेटा 5 और 1, 6, 65। प्राइस ऑफ 1 notebook इज इक्वल टू 40 rupees। ओके, तो टोटल प्राइस कितना आ गया, हाँ जी टोटल प्राइस 65 into 32 हो गया आपके पास में, 130 into 2, 26, दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में, 2600। डन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कोई डाउट, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है, ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 hours, दैट मीन्स कि 2:30 बजे वो चला है अपने घर से, एंड ड्रोव टू विलेज अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड 15:50। तो क्लॉक के अंदर कितना बज रहा था, 3:15 का टाइम था। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 minutes ही ड्रोव बैक टू द डिफरेंट रूट ऑफ द लेंथ 1.25 times द फर्स्ट रूट at the rate of twice as fast as reaching home at 16 hours। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझो, क्या कह रहा है कि एक मैन है यहाँ से गया यहाँ पे, ठीक है, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज डी एंड उसकी स्पीड कितनी है एस। किस टाइम चला वो, 14:30 पे चला, बट जब वहाँ पे विलेज पे पहुँच रहा है तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो विलेज की जो घड़ी है उसमें टाइम क्या था,
ये विलेज की घड़ी है, ये उसके घर की घड़ी का टाइम है, डन। अब वो जब यहाँ पे पहुंच गया तो उस केस में उसको वापस आना है घर पे, पर वो कह रहा है कि उसने थोड़ा सा ना लॉन्ग रूट लिया है इस केस के अंदर, थोड़ा लॉन्ग रूट लिया है, दैट मीन्स दिस रूट में भी लाइक दिस और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग रूट है। कितना बढ़ा है वो 1.25 टाइम्स, दैट मीन्स कि अगर इस केस के अंदर इसके पास में डी डिस्टेंस था तो जो सेकंड जब वो वापसी आ रहा है, अभी क्या जा रहा है, जाने का टाइम है, ये बेटा वापसी का, ठीक है, जब वो वापसी आ रहा है तो उस केस के अंदर उसको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 1.25 टाइम कितना हो गया, दैट मीन्स कि 5/4 टाइम्स, ओके, कितना हो गया 5/4 डे, जो डिस्टेंस है उसका वो कितना है 5/4 डे, क्लियर। और उसने क्या कहा है कि कैसे आया वो, रेट ट्वाइस एज फास्ट एज रीचिंग होम, कि उसने स्पीड बढ़ा ली अपनी थोड़ी सी, ठीक है, तो जो यहाँ पे इस केस के अंदर स्पीड है वो कितनी हो गई उसकी, 2s हो गई, पॉइंट इज क्लियर। अब उसको जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना लगा, कह रहा है किस टाइम पे पहुंचा, जब वो वापस घर पे पहुंच रहा है तो उसके घर की घड़ी के अंदर ही वो टाइम देखेगा, तो उस टाइम पे उसमें क्या है 16 बजे हुए थे, क्या टाइम था उस टाइम पे उसमें 16, दैट मीन्स कि अगर हम टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा भाई, 2:30 बजे वो गया था और 4 बजे वो पहुंचा है, दैट मीन्स कि उसको डेढ़ घंटा लग गया, दैट मीन्स कि 1 आवर तो पूरा कंप्लीट हो गया, और वहाँ 1/2 आवर एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कि कितना हो गया 90 मिनट्स। और उसने ये कहा कि 25 मिनट्स वहाँ पे रुका था, 25 मिनट वहाँ पे रुका है, तो 25 मिनट चाहे आप इसकी घड़ी के हिसाब से लगा लो, चाहे इसकी घड़ी के हिसाब से लगा लो, 25 मिनट्स तो 25 मिनट्स ही रहेंगे, दैट मीन्स कि जो उसका ट्रैवलिंग टाइम था आने जाने में जो उसको टाइम लगा वो कितना लगा बेटा 25, इसके अंदर से आप माइनस कर दोगे, जब माइनस करेंगे दिस विल बी 65, कितना आ गया उसके पास में 65 मिनट्स का टाइम उसको ट्रैवलिंग के अंदर टोटल लगा है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो टाइम कितना लगा उसको, हाँ जी, पहले केस के अंदर टाइम कितना होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, दूसरे केस के अंदर डिस्टेंस कितना है 5/4 डी डिवाइडेड बाई स्पीड 2s, और ये क्या कह रहा है टोटल कितना लगा उसको 65 मिनट्स लगे, कितना टाइम लगा 65 मिनट्स लगे, ओके। तो अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया ये आपके पास में 5/8 d/s इज इक्वल टू 65। अगर मैं d/s को बाहर कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास में अंदर वैल्यू क्या बचेगी 5/8 इज इक्वल टू 65। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो कितना आ गया मेरे पास में, हाँ जी 13/8। इसको देखते हैं बेटा कितना आ गया 5, दैट मीन्स कि d/s की वैल्यू कितनी आ गई 40 मिनट्स, बस यही है सोल्व करने का। दैट मीन्स कि उसको जो d/s, दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा 40 मिनट्स लगे, कितना टाइम लगा उसको 40 मिनट्स लगे, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे उसको 40 मिनट्स लगे बेटा। जब उसको 40 मिनट्स लगे तो इसके अंदर अगर मैं 40 मिनट्स ऐड करती हूँ तो जब वो विलेज में पहुँचेगा तो उसको कितना टाइम लगा, हाँ जी कितना टाइम हो जाएगा उसके पास में 15 10, देखो 14 70 बन रहे बेटा 70, एक घंटे का 60 मिनट, एक का ये इधर चला गया 15 10 हो गया, दैट मीन्स कि 15 10 का टाइम होना चाहिए, बट जो विलेज की क्लॉक थी उसके अंदर कितना टाइम शो कर रहा है वो 15 15 का टाइम कर रहा है, दैट मीन्स कि वो 5 मिनट फास्ट है, दैट मीन्स कि ये जो क्लॉक है दिस इज फास्ट बाई 5 मिनट्स, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, दिस इज 5 मिनट्स फास्ट, 5 मिनट्स फास्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि देखो जो एग्जाम के अंदर करके आ गए वो तो आप करके आ गए, उसका तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट आगे फर्दर जो स्टूडेंट जिन्होंने आगे 2023 के अंदर एग्जाम देना है तो उनके इस तरह के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि साथ साथ में आपका जो मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है वो आपको पता चल जाए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेंस अमंग सिक्स चिल्ड्रन के अंदर उसको पेंस डिस्ट्रीब्यूट करने, ए बी सी डी ई एफ, सपोज ए गेट ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाई बी, ए को कितने मिले हैं ट्वाइस पेन मिले हैं, ए गेट्स
ट्वाइस, दैट मीन्स कि जो बी है, बी बी को कितने पेन मिले, ए गेट्स, यहाँ पे उसने क्या कहा, ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाई बी, दैट मीन्स कि यहाँ पे इज इक्वल टू टू बी. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ए बी को वन पेन मिला है तो ए को कितना मिला, टू पेन मिले. क्लियर है? इसी तरह से आगे क्या कह रहा है, थ्री टाइम्स दैट ऑफ सी, दैट मीन्स इज इक्वल टू थ्री सी. ओके, आगे क्या है आपके पास, फोर टाइम्स ऑफ डी, फोर डी, फाइव टाइम्स दैट ऑफ ई इज इक्वल टू फाइव ई, एंड सिक्स टाइम्स दैट ऑफ एफ इज इक्वल टू सिक्स एफ. ओके, यस, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक तरह से ये आपका रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि दिस इज एफ, दिखाई नहीं दे रहा बेटा, एक सेकेंड. आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, हाँ इस पे नहीं जा रहा. ओके, तो अब देखिए इस तरह से ये आपके पास में एक इक्वेशन बन गई है. तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ जी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स एक्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इवन नंबर, कि इवन नंबर के अंदर हो. तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, हम इसका एक तरह से रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, या इस तरह से कह सकते हो कि टोटल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लो. ठीक है, अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ बेटा किसका, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स का, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, हाँ जी एलसीएम आ जाएगा बेटा 60. ओके, 60, दैट मीन्स कि जितना एलसीएम आएगा यू कैन से कि हाँ जी ए के पास जो है कितना है आपके पास में, 60 पेन्स है. ए के पास कितने, 60 पेन्स है. तो अगर मान लो, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इस तरह इसको जो अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो भाई हमने 60 एलसीएम निकाल लिया, 60 LCM निकाल लिया, तो उस केस के अंदर आपके पास में वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, A इज इक्वल टू 60, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी, ये हो गया हमारे पास में. अगर मैं इसको कहती हूँ A B C D E F, ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास में, इसको डिवाइड करो 3 से, कितना आ गया मेरे पास में 20, 4 से करेंगे तो कितना आ गया बेटा 15, ठीक है 5 से करेंगे तो 12 × 5 = 60, और 6 से करेंगे तो आ गया 10. दैट मीन्स कि मुझे इतने इतने पेन्स चाहिएगे ए बी सी डी के. अगर इसकी तरह से करने में कन्फ्यूज़न होती तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि अगर मैं रेशियो लेके चलूँ बेटा ए बी सी डी ई एफ की, तो आप ये कह सकते हो दिस इज़ वन, दिस इज़ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड 1/6. ओके, कि ए के पास अगर वन पेन है, ठीक है, तो इसके पास कितना हो गया हाफ, इसके पास कितना हो गया 1/3, 1/4. एलसीएम निकालोगे अगेन सेम वैल्यू आएगी, जैसे आप लोगों को बेटर लगता है वो वाला मेथड आप चूज कर सकते हो, बट कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया कि अगर मान लो 60 पेन्स है तो 60 पेन्स के हिसाब से हमारे पास में इतने इतने पेन्स आ गए. अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ए के पास 60 है तो टोटल कितना आ गया, इतना आ गया. बट इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट उसने साथ में क्या कहा है, क्या कहा है यहाँ पे, सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इज इवन नंबर. क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. ठीक है, बट इस केस में अगर मैं देखूँ तो डी के पास क्या आ गया बेटा, ओड आ गया, ओड आ गया, दैट मीन्स की कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही. तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देते हैं, डबल करेंगे दैट मीन्स की कितना कंसिडर कर लेंगे हम इसको, 120. अब पता चल गया मैंने 120 क्यों लिया, मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे 120 करके आपका आंसर सोल्व कर देती, बट यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चले कि अगर मान लो, जरूरी तो नहीं है कि अगर हम फर्दर के लिए हम पेपर को सोल्व कर रहे हैं कि भाई आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए. अगर यहाँ पे ओड होता तो अपना आंसर क्या आ जाता, इन सबको आप टोटल करते एंड दैट विल बी योर आंसर. बट यहाँ पे क्या कहा उसने, इवन इवन, दैट मीन्स कि फिर उसके लिए हम उसको डबल करेंगे और उसको चेक करेंगे. अब देखो अगर ये हो गया तो इसके पास कितना आएगा बेटा, 60. ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास में, 40. इसको करेंगे तो 4 × 4 = 12. ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 6 से करेंगे तो ये कितना हो गया, 20. अगर मैं टोटल करती हूँ तो टोटल कितना हो गया, सभी का ऐड कर लो, 120, 100, 220, 250, 270, 270 और 24 ही हो गया, कितना आ गया आपके पास में, 294. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 294 विल बी द करेक्ट आंसर. हाँ जी, कोई डाउट, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. क्या है आपका यहाँ पे, 6% ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर. अब यहाँ पे क्या है आपके पास में,
हाँ जी, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी डाटा सफिशियंसी का, पहले मैंने आपको बताया डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड करो उसके बाद स्टेटमेंट पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए की इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे आपके पास में 6 पर्सन है लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे पहला केस क्या कह रहे हैं, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ले लेती हूँ, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी सिटिंग अपोजिट, डी सिटिंग अपोजिट टू ई। अब यहाँ पे जो दूसरा केस है, अब इसके अंदर मैं कुछ भी ले सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, सी बी सिटिंग डी और ई को अपोजिट बिठाना, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, डी को यहाँ पे ले लिया, ई को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। या फिर हमारे पास में दूसरा केस, हम यहाँ पे ऐसे भी बना ले सकते हैं, डी को यहाँ पे ले लिया, ई को यहाँ पे ले लिया, ओके। अलग अलग केसेस बन रहे हैं, दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से अपने पास में आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट की हेल्प से हमारे पास में आंसर नहीं आएगा। अब हम आते हैं सेकंड वन पे, सेकंड क्या कह रहा है, देखो सेकंड कह रहा है एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी को देखूँ तो दूसरे में क्या कह रहा है, हाँ जी, अगर मैं कहूँ कि भाई बी यहाँ पे है तो एफ, दीज आर 6 पर्सन, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, दैट मीन्स कि यहाँ पे एफ आएगा। सेकंड से सिर्फ मुझे इतना मिल रहा है, सिर्फ इतने की हेल्प से मैं कैसे बता दूंगी कि ए कहाँ, ए की लेफ्ट में कौन है, दैट मीन्स कि सेकंड हेल्प की हेल्प से भी आंसर नहीं आ रहा है। अब करते बेटा दोनों को कंबाइन, दोनों को कंबाइन करते हैं, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो अब इसके साथ में इसको भी ऐड कर लेते हैं, एफ इज सिटिंग टू लेफ्ट, साथ में उसने क्या कि बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, बी के अपोजिट कौन है, सी, साथ में उसने क्या कहा है, एफ इज, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी आ गया तो यहाँ पे ई आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ई आ जाए तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ओके। जो रिमेनिंग पोजिशन है दैट इज ऑफ ए, ए के लिए आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि उसकी लेफ्ट में कौन है, अगर यहाँ पे होता बेटा कि राइट में कौन है, तो हमें पता है कि जब आपके पास में फेसिंग इनसाइड होता है तो उस केस में जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे हम मूव करेंगे दैट इज लेफ्ट, ओके, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट के अंदर चाहिए, क्या कह रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए दैट मीन्स कि मुझे कैसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, दैट मीन्स कि इसकी लेफ्ट में कौन होगा, ई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हमारे पास में एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है कि भाई डी आएगा या फिर ई आएगा, डी आएगा या फिर ई आएगा, तो यहाँ पे अपने पास में आंसर क्या आएगा कि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा है, बिकॉज दोनों को मिला के भी कंफर्मेशन नहीं हो रही कि सी आएगा या सॉरी ई आएगा या फिर डी आएगा, ओके हाँ। अगर यहाँ पे होता आपके पास में क्वेश्चन के अंदर राइट, तो राइट में तो हम बता सकते थे कि राइट में सी है, तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स इसका सी आंसर करके आए हैं, जिस यहाँ से मैंने भी पेपर लिया बेटा, वो स्टूडेंट भी देखो सी आंसर करके आया, बट सी आंसर नहीं आएगा, आंसर क्या रहेगा इसका, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। जब मैंने आपको अरेंजमेंट कराया था तो उस टाइम पे मैंने आपको पूरा ये डिटेल बताया था कैसे हमारे पास में लेफ्ट को कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ से देख के ना ऐसा ही लगता है हाँ जी लेफ्ट है, दैट मीन्स कि इधर हो गया, बट नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा क्लियर होना चाहिए यहाँ पे आपका। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगेन आपके पास डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है एजेस पे से, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही, मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर, मदर से, तो अगर मैं कहूँ कि मदर की एज फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से क्या है, एक्स, तो मनीषा की एज कितनी हो गई, एक्स माइनस 24, ओके। ऐसा भी कर सकते हो, मनीषा को एक्स ले लो, मदर को कितना ले लोगे आप, एक्स प्लस 24, एक ही बात है, जैसा भी करना है वैसे आपको जी लगता है, बट यहाँ पे इसकी हेल्प से क्या हम ये बता सकते हैं कि एज ऑफ मनीषा कितनी है, एज ऑफ मनीषा बता सकते हो, नहीं, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर, ओके। अब हम आते हैं सेकेंड पे, सेकेंड में क्या कह रहा है, फाइव ईयर्स लेटर, फाइव ईयर्स लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी 3:5, दोनों की रेशियो क्या है, 3:5 है, ठीक है। अब 5 साल के बाद में हम बात करें, 5 ईयर्स
लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हदर। अब यहाँ पे 5 साल के बाद में, पहले देखो रेशियो में क्या कह रहा है, मनीषा मनीषा तो पहले मनीषा ले लो, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी एज, हाँ जी -24 है बेटा। इसके अंदर अगर मैं 5 कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा -19, और मदर की कितनी हो जाएगी x+5 एंड द रेशियो इज इक्वल टू व्हाट 3:5। दैट मीन्स कि आफ्टर सॉल्विंग दिस कंडीशन आई कैन गेट द वैल्यू फॉर x। ओके, अगर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी दैट मीन्स दिस इज सफिशियंट कि हाँ जी दोनों को मैं मिला के करूँ तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशियंट टू गिव द आंसर। क्योंकि अगर जो सेकेंड है, सिर्फ अगर सेकेंड है तो सेकेंड की हेल्प से भी हम नहीं आंसर कर सकते। ओके, सिर्फ फर्स्ट की हेल्प से भी नहीं आंसर आएगा, सेकेंड की हेल्प से भी नहीं आंसर आएगा, बट अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो आ जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना, अगर ऐसा करना है किसी ने तो भी कर सकते हो कि भाई मनीषा की एज है एक्स, मदर की एज कितनी है x+24, तो उस केस में बेटा क्या बन जाएगी आपके पास में कंडीशन, हाँ जी मनीषा और मदर, मदर की आ जाएगी बेटा 31 3/5। दोनों केसेस में आंसर सेम बनेगा, दोनों केसेस के अंदर आपका जो आंसर है वो सेम बनेगा। ओके, यस क्लियर है सभी को, दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ बोथ वी कैन आंसर। ओके, डाटा सफिशियंसी में सॉल्व करने की जरूरत, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ जी कंडीशन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 lectures ABCDEF ईच वन आर ड्यूरेशन शेड्यूल्ड 8 AM to 2 PM। दैट मीन्स कि लेक्चर आर एट 8, 9, 10, 11, 12 and 1। ओके, 1 to 2 लास्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 to 2 है ना बेटा, तो यहाँ पे 2 पे लेक्चर नहीं है तो कितने लेक्चर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट है लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाई लेक्चर A एंड फॉलोड बाई C। लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाई A एंड फॉलोड बाई C, दैट मीन्स कि इस तरह की कोई सिचुएशन है। प्रिसीडेड मीन्स पहले, F जो है वो पहले है किससे, A से, फॉलोड मीन्स बाद में, तो बाद में है तो ये ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, क्या इसकी हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं कि विच इज़ द थर्ड पीरियड, दैट मीन्स कि 10 बजे कौन सा लेक्चर होगा, क्या हम बता सकते हैं, नहीं। रिवीजन बिंग कि इसको तो हम कहीं पे भी लेके लिख सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकती हूँ मैं सी एफ ए, यहाँ पे भी ले सकती हूँ सी एफ ए, यहाँ पे भी ले सकती हूँ, कहीं पे भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन वी कांट आंसर, डन, हाँ जी। उसके बाद में सेकंड को अगर मैं देखूं तो ये क्या कह रहा है, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, बी के बाद में कोई भी लेक्चर नहीं है, तो सेकंड से मुझे क्या मिल रहा है कि हाँ जी बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सिर्फ यही मिल रहा है। दैट मीन्स कि इसकी हेल्प से भी हम ये नहीं बता सकते कि हाँ जी थर्ड लेक्चर कौन सा होगा, तो ये सेकेंड की हेल्प से भी आंसर नहीं आ सकता। अब करते हैं तीसरा काम, क्या होता है, दोनों को कंबाइन करना। अब अगर मैं कंबाइन करूँ तो अगेन मेरे पास में क्या कंडीशंस बन रही है, सी एफ ए यहाँ पे भी आ सकता है बेटा, सी एफ ए यहाँ पे भी आ सकता है, सी एफ ए मेरे पास में यहाँ पे भी आ सकता है। ओके, दोनों को कंबाइन करने से भी मेरे पास में नहीं आ रहा है कि भाई 10 बजे ए का भी लेक्चर हो सकता है, सी का भी लेक्चर हो सकता है, एफ का भी हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास में एक आंसर नहीं बन रहा है, तो ये क्या आएगा आपके पास, दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट नंबर्स, डिजिट सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3-डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ए बी सी विदाउट रिपीटेशन। अब यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन था, क्या कह रहे हैं कि विदाउट रिपीटेशन। पहले तो यहाँ पे देखो कि ए बी सी कोई भी 3 वैल्यूज हो सकती है नॉन जीरो डिजिट, दैट मीन्स कि 1 to 9 कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं ए बी सी के लिए। ओके, दूसरा उसने क्या कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन है और साथ में कह रहे हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या कहा है, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के लिए क्या है, द 4-डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज दिस, 3-डिजिट ग्रेटर वैल्यू इज दिस। अब पहले हम x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या कहा है उसने, ऑल पॉसिबल 3-डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय ए बी सी, ए बी सी की हेल्प से जितनी भी बन रही है ऑल नंबर्स, ये वाला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। और ए बी सी के लिए हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, कह रहे हैं कि 0 से 1 से लेके 9 तक कुछ मर्जी ले लो। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं फिर बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, पहले छोटे से देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो सबसे छोटा नंबर अगर मैं लूँगी तो मेरे पास में ए बी सी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और
एक्स क्या है, सभी के नंबर का सम। अब सभी नंबर्स को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3 को मिला के कितने, कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं। अब जब जिसको मैं ए बी सी ले रही हूँ सिर्फ उन्हीं का कॉम्बिनेशन तैयार करना है सम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, 3, 2 हो सकता है। अब मैं 2 को आगे ले लेती हूँ, 1, 3 हो सकता है, 2, 3, 1 हो सकता है। अगर 3 को हम आगे लेते हैं तो 1, 2 हो सकता है, 3, 2, 1 हो सकता है, 6 नंबर बनेंगे। ऐसे भी हमें पता है कि भाई 3 डिजिट की हेल्प से 6 नंबर बनते हैं। अब इन सबका टोटल करो, इन सबका जब आप टोटल करते हो तो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, दिस विल बी ओके। तो यहाँ पे इनको जब हम सम करते हैं तो 4 डिजिट का ही नंबर बन रहा है, 3 डिजिट का तो बन ही नहीं रहा, 4 डिजिट का बन रहा है। और कितना बन रहा है, 1332। और ये क्या है, लीस्ट वैल्यू ही है, क्योंकि इससे कम तो मैं ले ही नहीं सकती, ठीक है ना। और उसने साथ में भी कहा है कि भाई ए बी सी जो है वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट नंबर, ठीक है, ए बी सी विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, साथ में उसने क्या कहा, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1, 1, 1 ले ले, 1, 1, 1 नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि 1332 ही बनेगा डिजिट, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्लियर। सेकंड क्या कह रही है कि भी 888 कैसे बन जाएगा, 3 डिजिट का तो बनेगा ही नंबर नहीं, ग्रेटर स्मॉलेस्ट कुछ भी नहीं बन रहा जब सम कर रहे हो तो, ओके तो यहाँ पे दूसरे वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्या आएगा आपके पास में, ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट है, देयर इज ए न्यूमेरिक की लॉक विच हैज 3 डिजिट पिंस कंटेंट 1 to 7, 1 to 7 नंबर्स आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 3 डिजिट्स, 1, 2 and 3। द पिन कंटेंट्स डिजिट 1 to 7, देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आएगा उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। एनी 2 डिजिट पिन डिफर बाई एटलीस्ट 2, भाई दो का डिफरेंस, कम से कम 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, बट कम से कम 2 का डिफरेंस तो कह रहा है होना ही होना चाहिए। हाउ मैनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड, फाइंड आउट द पिन विदाउट विद सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ में कितने बार आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम, तो हमें कंडीशन क्या पता है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हम कंडीशन लेके चलते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है तो पहले 7 को ही उठा लेते हैं। पहला नंबर मैंने कहा कि पहले मैं ट्राई कर रही हूँ, इसने यही कहा ना कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कहा कि भाई 7 ले लेते हैं। फिर उसके बाद में उसने कहा कि एटलीस्ट 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो सकता है अपने पास में 5 हो सकता है, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो सकता है 2 के डिफरेंस पे 3 हो सकता है। पहले तो हम यही सोच के चलेंगे, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में 2 हो, तब भी तो एट लीस्ट कहा है उसने, एट लीस्ट कहा है कम से कम, हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे 5 की जगह पे 4 आ जाए, देखो ये वाला पॉइंट तो मैंने 5 के साथ में देख लिया, अब 7 को ही हम साथ में कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे 5 की जगह पे 4 भी तो आ सकता है, बिकॉज एट लीस्ट का है, 2 का डिफरेंस भी हो सकता है, 3 का डिफरेंस भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा 4 लेती हूँ तो 4 के बाद में यहाँ पे अब 3 आ सकता है, नहीं फिर 2 का डिफरेंस नहीं रहेगा, दैट मीन्स कि सिर्फ यहाँ पे 4 आ सकता है या फिर यहाँ पे 1 आ सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3, तो सिर्फ यहाँ पे 1 आ सकता है, दैट मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट डिजिट को 7 कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास में ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। दूसरा, अगर मैं कहती हूँ भाई अगर मैं 6 ले लूँ फर्स्ट के ऊपर, अगर हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 हो सकता है, 6 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 4 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक है। 6 लेंगे तो यहाँ पे हम 3 भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 कंसिडर करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 के केस में ये वाली वैल्यूज बन रही है। कहते 5 भी तो ले सकते हैं, तो 5 ले लीजिए, अगर हम 5 लें तो मिनिमम क्या आएगा, 3 और 1, 4 तो कोई केस बन ही नहीं रहा, बिकॉज 2 का डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे हम 6 नहीं ले सकते और कोई वैल्यूज नहीं ले सकते, तो अब देखो कितनी वैल्यूज हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है, कितना आ गया, 10। दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, आप इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन ए सर्कल, हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस
एंड टेकिंग डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब बेटा देखो ये ज्योमेट्री का छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको सिंगल एक प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली कर लोगे। क्या प्रॉपर्टी? कि भाई जब जो अपने पास में सर्कल है, सर्कल के डायमीटर को लेके किसी भी वर्टिसेस से अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये पॉइंट भी अगर मैंने ले लिया तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। मींस कि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कि हमें पता है कि भाई हर एक से कितना है, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है दैट मींस कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके और उसने कहा कितने वर्टिसेस है, कितने इक्विडिस्टेंस पॉइंट का है। उसने 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट का है। 8 दैट मींस कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट कितना हो गया, 1 2 3 थोड़ा सा 1 एक मिनट बेटा दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ मैं। ये हो गया हमारे पास में 1 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं दिस इज द डायमीटर। तो अभी मैंने क्या कहा, हर एक वर्टिसेस से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मींस कि यहाँ पे 1 2 3 ठीक है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन जाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ से बन जाएंगे, 6 बन गए। इसके ऊपर कितने बने मेरे पास में? 6। 1 2 3 क्लियर। सेम वे कितने बन गए, मींस एक डायमीटर से कितने बनेंगे बेटा? 6। अगर हम टोटल डायमीटर देख के चले तो कितने बनेंगे, टोटल डायमीटर कितने बने? 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट से कितने डायमीटर? 4। 4 डायमीटर से कितने बन गए? 6 × 4 दैट मींस 24। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 24 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट? बिल्कुल सिंपल था, बस हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 2015 या फिर आई थिंक 16 मैंने अभी आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था, बट उसमें प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट थी। वहाँ पे वो क्या कह रहा था कि यहाँ पे मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करने हैं कि टोटल 15 पॉइंट्स और बताओ कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे। ओके तो इस तरह से था। तो जस्ट आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि सर्कल के अंदर अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो उसके बाद तो आप इजीली कर लोगे। ओके तो यहाँ पे बेटा 24 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 मैन एंड 12 वुमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। 24 मैन एंड 12 वुमेन कितने दिनों में काम को खत्म करें? 30 डेज के अंदर। इन हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन एंड 24 वुमेन 12 men and 24 women can complete the same work, okay? अब इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई जो मैन है वो ज़्यादा काम कर रहा है या फिर वुमेन। सिर्फ ये सोच के कि हाँ जी वुमेन की एफिशिएंसी कम रहेगी, एफिशिएंसी वुमेन की कम रहेगी, हम आंसर कर दे तो रोंग रहेगा। ठीक है, बिकॉज आपको पता है आजकल वुमेन की एफिशिएंसी ज़्यादा हो रही कंपैरेटिवली, है ना। बट अगर हम ये कंसिडर करें कि नहीं वुमेन की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी तो भी गलत है। जब तक हमारे पास में कोई एक पॉइंट गिवन ना हो तब तक हम नहीं आंसर कर सकते, है ना। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी नहीं पता चल रही है कि जो एफिशिएंसी है मैन की कितनी है या फिर वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है। जब तक हमें मैन या वुमेन की एफिशिएंसी का नहीं पता चलेगा हम नहीं बता सकते। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ द कंक्लूजन। ओके नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर यहाँ पे क्या रहेगा? तो रिमाइंडर दैट मींस कि मैंने यहाँ पे बेटा, ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन ना हर बार आ जाता है ना। इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है और मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया भी था कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चन ना करके जाने एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उसमें कह रहा था कि 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। उससे पिछले साल अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे आ रहा था कि हाँ जी 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। और इस बार आपके पास में आ गया 1261 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ओके तो अगर 10 और 100 की बात होती तो यूनिट और लास्ट 2 डिजिट हम फाइंड आउट करके आंसर कर देते। बट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या ये किसी पर्टिकुलर नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है तो वो देखो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटे 13 की टेबल से जा रहा है, 13 7 91 13 97 13 7 91
ठीक है। अब ये जो 97 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और अगर पूरे का पूरा मेरा डिवाइजर कैंसिल आउट कर देता है डिविडेंड को, तो उस केस के अंदर रिमाइंडर क्या बचता है, हमेशा जीरो बचता है। हमेशा ध्यान रखो कि रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। एक शीट है जो कि 20 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है और उसकी क्या कह रहा है, विड्थ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इंटू 4 स्क्वेयर शीट्स। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 4 स्क्वेयर शीट्स के अंदर उसको एग्जैक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि 4 इक्वल होनी चाहिए या इक्वल नहीं होनी चाहिए, उनका एरिया सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस उसने ये कहा कि भाई 4 मेरे को स्क्वेयर शीट्स मिल जाएंगी, 4 स्क्वेयर शीट्स मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसको 5-5 का लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में अगर मैं कहूँ कि भाई ये कितना है मेरे पास में, ये है 8, ठीक है, और मैं कहती हूँ भाई ये भी हो गया हमारे पास में 8, और मैं कहूँगी कि भाई ये भी हमारे पास में हो गया 8, 8, 8, 16, टोटल कितना है आपके पास में 20, और ये साइड कितनी है हमारे पास में 8। तो मैंने क्या कहा कि 8, 8, 16, दैट मीन्स कि ये बच गया हमारे पास 4, ठीक है। 8, 8 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे स्क्वेयर बनाना है, तो मैं स्क्वेयर ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या हो गया मेरे पास में, एक स्क्वेयर बन गया, बिल्कुल बन गया, ठीक है। 8 ये वाली साइड, 8 ये वाली साइड, चारों साइड्स 8, 8 हैं, दैट मीन्स कि स्क्वेयर बन गया। अगर हम यहाँ से भी देखें तो भी हमारे पास में स्क्वेयर बन गया, 8 ये है और 8 ये है, दो स्क्वेयर बन गए। बट जो तीसरा है ये यहाँ पे स्क्वेयर नहीं बन रहा, बट हम यहाँ पे अगर हम देखें कि उसने इक्वल तो कहा ही नहीं, इक्वल नहीं कहा, तो इस वाली साइड को अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ तो ये कितना हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, दैट मीन्स कि 4, 4, 4 दिस इज ए स्क्वेयर, 4, 4, 4 दिस इज ए स्क्वेयर। कितने बन गए आपके पास में, ये भी एक स्क्वेयर बन गया, ये भी एक स्क्वेयर है और ये भी एक स्क्वेयर है, दैट मीन्स कि आई कैन कट इट इंटू 4 स्क्वेयर शीट्स, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्लियर। अब आते हैं हम सेकेंड के अंदर, कह रहे इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्रेंगुलर शीट्स इक्वल एरिया, 10 ट्रेंगुलर शीट्स के अंदर कह रहा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब अगर मैं दूसरा केस लेती हूँ, ठीक है, 10 कह रहा है बेटा, 10 कह रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये टोटल कितना अपने पास में 20 है, टोटल मेरे पास में कितना है 20 है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ कुछ पार्ट्स में इक्वल इक्वल के, जब 10 कह रहा है तो 5 में कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, दैट मीन्स कि 4, 4 का हम इसका डिवीज़न अगर कर लें तो हमारे पास में क्या बनेगा, 4, 4 का डिवीज़न करते हैं, 1, 1, 2, 3, 1, 2 parts, 3 parts, एक और बनाना पड़ेगा ना, एक और पार्ट्स हमें चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ बेटा, लेट अस से दिस इज फुल इज 20, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 4, 4, 4, 4 एंड 4, कितना आ गया, टोटल 20 बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर ऐसे ले लेते हैं हम इसको, ये हो गया, एक ही ट्रायंगल बन जाएगा, एक ही ट्रायंगल बन गया, एक ही ट्रायंगल बन गया, एक ही ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ये वाली साइड कितनी हमारे पास में, 8 है, ठीक है, कितने ट्रायंगल बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आई हैव 10 ट्रायंगल्स, 10 ट्रायंगल्स बन गए, दैट मीन्स कि 10 ट्रायंगल की कंडीशन तो हमारी फुलफिल होगी। बट साथ में उसने क्या कहा है कि इक्वल एरिया के होने चाहिए, इक्वल एरिया के होने चाहिए, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे इक्वल इक्वल एरिया के ही हैं, इक्वल इक्वल एरिया ही बन रहा है आपके पास में। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखती हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये साइड 8 है और एक साइड 4 है, इस साइड भी अगर मैं देखूंगी तो भी सेम ही बन रहा है, दो साइड है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपके पास में, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स कि 16 बन गया एक का एरिया, एक का एरिया हमारे पास में कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में 10 है तो 10 का एरिया कितना बन जाएगा, 10 इंटू 16, दैट मीन्स कि 160 का एरिया बन गया। वैसे तो इसने पूरी शीट के लिए इक्वल नहीं कहा, उसने कहा इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 इक्वल शीट्स, 10 ट्रेंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया, इनका ही इक्वल एरिया पूछा गया है वैसे तो, फिर भी एक बार अगर मान लो टोटल का भी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, तो टोटल का भी अगर हम देखें तो इसका पूरे जो शीट है, शीट का भी एरिया कितना है, 20 इंटू 8, दैट मीन्स कि 160,
ये भी 160 आ रहा है, ये भी 160 आ रहा है। वैसे ज़रूरत थी नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड करके समझा दिया ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, कुछ आगे कुछ मिल रहा है नेक्स्ट आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन 70% ऑफ ए नंबर एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, 70% ऑफ नंबर एक्स इज एडेड टू अनदर नंबर वाई, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, व्हेन 60% ऑफ द नंबर एक्स इज डिवाइडेड इन टू अनदर नंबर, सॉरी एडेड टू अनदर नंबर जेड, देन द सम बिकम्स 160% ऑफ द वैल्यू ऑफ जेड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 70% ऑफ x इज एडेड टू द अनदर, एडेड टू अनदर नंबर y, तो वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे बेटा आपके पास में 165%, परसेंट का मीनिंग क्या होता है डिवाइडेड बाई 100, आप इसको पॉइंट में भी ले सकते हो, आप 0.7x इज इक्वल टू 1.65 ऐसे भी ले सकते थे आप। ठीक है, बट मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में बता दिया कि हाँ जी ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो क्या बन जाएगा, 70/100 x इज इक्वल टू, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो कितना बच गया बेटा, 65। ओके, तो यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 65/70। कैंसिल आउट करना, कैंसिल आउट कर लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, जस्ट कंपैरिजन में ही आंसर है, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट उसने क्या कहा, एन 60% ऑफ द नंबर, 60% ऑफ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर जेड, then the sum becomes 165% of z, 165% of z, okay? Again, यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे हम, कितनी वैल्यू आ गई, 60/100 x is equal to 65/100 z, कैंसिल आउट हो गया, तो x by z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 60/60, okay? x दोनों केसेस में सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो x है आपके पास में, x इज इक्वल टू 65, ठीक है, y इज इक्वल टू 70, और z अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा कितना बन रहा है आपके पास में, 60। रेशियो अगर आपने निकालने, कैंसिल आउट कर रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कैंसिल आउट कर दो तब भी हमारे पास में इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, बट दोनों केसेस के अंदर जो मेन पॉइंट है कि भाई छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जेड जो है वो स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद क्या है, x है, और फिर उसके बाद में y है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई z x and y। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैंडिडेट्स x y कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 80% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, कि भी अगर मान लो 100 कैंडिडेट्स ने वोट किया है, मान लीजिए ठीक है परसेंटेज में है तो हमने 100 कंसिडर कर लिया, 80% वोटर कास्ट देयर वोट, 80% कितना हो गया उसका, दैट मीन्स कि 80, क्लियर। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, देयर इज नो ऑप्शन की नहीं है हमारे पास में, एक्स गोट 56% ऑफ द वोट कास्टेड, एक्स को कितना मिला है यहाँ पे, जो x है उसको कितना मिला, 56%, इसका 56% मिला है, ठीक है, एंड 1/14 40y, दैट मीन्स कि जो y है y को कितना मिला होगा, y को कितना मिला, 44%, सीधी सी बात है, टोटल तो 100% ही होता है, टोटल तो 100% ही होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि जीतने वाले को कितना मिला, 12% ज़्यादा मिला, 12% मोर, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कितने से जीता है, 1440 वोट से जीतता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि 12% ऑफ दिस वैल्यू, 12% ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1440। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो गया 12 से बेटा, ये हो गया अपने पास में 12, 4 से 20 चौके 80, 20 5 100, और ये हो गया अपने पास में 3, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये आ गया बेटा आपके पास में 150 आ गया। अब हमने 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 150, दैट मीन्स कि हमने क्या कंसीडर किया था, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 15
थाउजेंड, कितने आ गई 15,000, सो 15,000 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर वन में कंफ्यूजन होती है, वैसे तो मैंने परसेंटेज के अंदर वन वाला जो है काफी डिटेल में आप लोगों को कराया था, फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पे इसको एक्स कंसीडर कर सकते हैं आप, साथ में एक्स ले लिया, इसको भी एक्स ले लिया, फिर यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो 100x की वैल्यू कितने आ गई 15। एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वैसे तो वन से ईजी रहता है, तो इसलिए विदाउट वेरिएबल करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। डन, कितना आ गया आपके पास में 15,000। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स रिमाइंडर 3। करा 3 रिमाइंडर्स बचेगा। तो बेटा ये अपने पास में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। क्या है यहाँ पे नंबर सिस्टम के अंदर एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, एलसीएम होगा या एचसीएफ यूज होगा यहाँ पे? एलसीएम होगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो नंबर 6, 9, 12, 15, 18 से कौन सा नंबर डिविजिबल रहेगा, तो उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे जो अपने पास में लिस्ट नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? हाँ जी, एलसीएम यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 180 विल बी द एलसीएम। एलसीएम कैलकुलेट कितना आ जाएगा आपके पास में, यस 180 आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। डायरेक्टली मैंने बताया था ना आपको, देखो इसे चेक करो, कोई भी नहीं आ रहा, 18 दुनी 36 से भी नहीं डिविजिबल है, 18 या 54 से भी नहीं डिविजिबल है, सीधी बात में 5 है, दैट मीन्स कि एंड में 0 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, एंड में 0 चाहिए, दैट मीन्स कि 180 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास में इसका, 180 विल बी द एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमें कौन सा चाहिए नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़ा होना चाहिए, बट लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो और साथ में उसने क्या किया, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। इस रिमाइंडर को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ये देखते कि 1000 से बड़ा कौन सा नंबर है जो कि 180 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 18 5 90 900 आ गया, कितना बच गया बेटा, सो व्हाट शुड बी एडेड, मैंने आपको टर्म करवाई थी, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड, है ना, तो यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड आएगा। तो व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, इसके दोनों का डिफरेंस, दैट मींस कि 1000 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, 80 ऐड करना पड़ेगा, दैट मींस कि 1080 इज द टर्म दैट इज डिविजिबल बाय 6, 9, 12, 15, 18। ओके, ये तो हो गया पूरा डिविजिबल, बट इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, लीव्स द रिमाइंडर 3, रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे 3, तो जो मेरा नंबर है, नंबर क्या बनेगा 1083, क्या नंबर बनेगा 1083। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई भी डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी बी ए 2-डिजिट नंबर एंड क्यू बी ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, P into Q is this one, then what is the difference between P and Q? P और Q का difference यहाँ पे क्या रहेगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, simple सा concept है, क्या कह रहा है कि P और Q क्या है, P क्या है मेरा number है, ठीक है, और Q क्या है मेरे पास में, उसका reverse है, इसी का reverse। या आप ये कह सकते हो कि अगर मेरा number क्या है, एक्स वाई है, तो मेरा देखने में तो ये एक्स वाई दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में नंबर क्या होगा, 10x plus y। ठीक है, और क्यों क्या हो गया, वाई एक्स, दैट मीन्स क्या हो गया, 10y plus x। ओके, तो यहाँ पे उसने कहा कि जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं पी और क्यों को, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ रही, 2430 आ रहा है, 2430 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमने पॉइंट यूज करना है कि जो ए यहाँ पे 0 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन के बाद में, दैट मीन्स कि एक डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तभी 0 बनेगा, एक डिजिट मेरे पास में 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब एक डिजिट 5 होगी, अब जब उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद में अगर मेरे पास में ओड डिजिट होगी, देखो अगर मेरे पास में नंबर ये है 5 and 51, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, तो उस केस में क्या आएगा मेरे पास में, 0 तो नहीं आ सकता, 0 कब बनेगा, जब मेरे पास में यहाँ पे अगर 2 है तो, और यहाँ पे मेरे पास में 2 है, तो उस केस में जब मैं इनको 5 को इवन नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी तभी 0 बनेगा,
ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे क्या कन्फर्मेशन होगी कि भी मेरे पास में एक डिजिट जो है वो क्या है, 5 आएगी। एक डिजिट मेरे पास में क्या है, 5 आएगी, तो मेरे पास में इजी हो गया अब काम, एक डिजिट 5 होगी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भी मेरी जो डिजिट है, अगर मैं इसको एक्स वाई कंसिडर कर रही हूँ, तो मेरे पास में क्या है, एक्स 5 इंटू 5x, इस तरह से कुछ वैल्यू बनेगी। अब इस एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 2430। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया भाई 50 के नियर बाय वैल्यू है 5x, दैट मीन्स कि 50 के नियर बाय वैल्यू है। जब 50 के नियर बाय वैल्यू है और 50 को अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास में 2500 से ज़्यादा आएगा, 2500 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। बट यहाँ पे क्या है, उससे कम है, कम है। तो हम इसके नियर बाय का वैल्यू का नंबर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे पास में 52 और यहाँ पे क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास में क्या हो सकता है, 54 और 45 हो सकता है। जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास में ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं, ये होगा बेटा 45, ठीक है, डन, दोनों हो सकती है। अब इनको चेक करो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या मेरे पास में ये बन रहा है, नहीं बन रहा है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास में बन रही है वैल्यू, ओके, दैट मीन्स कि मेरे जो नंबर्स हैं, नंबर कितने हो गए, एक हो गया मेरे पास में 45, ठीक है, और अगर उसी का रिवर्स मैं करती हूँ तो मेरे पास में कितना हो गया, 54। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करती हूँ तो डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास में, 9, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्लियर। ये तो भाई हम थोड़ा सा लॉजिकली सोच के करते हैं, नहीं तो भी इसके बाद में ये, एक तो ये हो गया कि भाई ऑप्शन आप इसके इस तरह से ले सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू को 5 कंसीडर कर लो, एक वैल्यू को 5 कंसीडर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो भी अपने पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, बट यहाँ पे ऐसे ईजी है तो क्या जरूरत है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट पी इज प्राइम नंबर एंड क्यू इज कंपोजिट नंबर। पी क्या है, प्राइम नंबर है, क्यू क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। पी प्राइम नंबर क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, कोई भी हो सकता है, और क्यू क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर है, क्यू क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कोई भी हो सकता है मेरे पास में, 4, 6, 8, 9, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया भाई गलती से, बाय मिस्टेक, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया, 9 तो कंपोजिट नंबर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, 9, 12, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास में, कंपोजिट नंबर हो गए, डन। तो इस तरह से दो नंबर गिवन है। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहले कह रहे P इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर, कैन बी, कन्फर्म डेफिनेट आंसर नहीं देना आपको, क्या कह रहे हैं, कैन बी ओड नंबर, क्या ओड नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, हाँ जी यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं 3 और 9 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, ओड नंबर आएगा, दैट मीन्स कि हो सकता है, यस दिस इज द पॉसिबिलिटी। क्यू डिवाइडेड बाई पी कैन बी ए प्राइम नंबर, क्यू डिवाइडेड बाई पी, कोई भी क्यू एक नंबर ले लो, उसको यही ले लेते हैं, तो इसको अगर मैं देखो तो 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ रहा है आपके पास में, 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है बेटा, 3, एंड दिस इज प्राइम नंबर, दैट मीन्स दिस इज अगेन द पॉसिबिलिटी, क्या बन रहा है मेरे पास में, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। साथ में क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, पी प्लस क्यू प्राइम नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज ए प्राइम नंबर, दैट मीन्स कि दिस इज अगेन द पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, कह रहे हैं कि मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड करेंगे। तो अब यहाँ से देखो कि अगर मैं कह रही हूँ 3:16 PM 3:00 PM के ऊपर कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरा मिनट हैंड और आर हैंड दोनों ऐसे हो जाएंगे, दोनों के दोनों
एक के ऊपर दूसरा होगा, तो कौन साइड करेंगे बेटा, बिल्कुल कौन साइड करते हैं, वैसे पता होना चाहिए क्लॉक का अगर आपने कंसेप्ट किया है। और साथ में ही आप बाई फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा, जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, कौन साइड करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्या कह रहा है, बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कौन साइड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड कौन साइड करेंगे। तो देखो जब आपके पास में यहाँ पे मिनट हैंड और सेकेंड हैंड है बेटा, आर हैंड नहीं है। अब हर एक एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर जो अपना सेकेंड हैंड है वो पूरे का पूरा घूम के आएगा, एक मिनट के अंदर वो आर हैंड से भी कौन साइड करेगा और मिनट हैंड से भी कौन साइड करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ वन एंड टू आर ट्रू, ओके बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट देखें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी नेक्स्ट क्या है आपके पास में, देयर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई, एक्स कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क एंड वाई कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर। दो कंटेनर है, एक के अंदर है वाटर एक्स एंड वाई, इसके अंदर क्या कह रहा है कि वाटर है कितना, फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है 100 ml वाटर है, और जो दूसरा है उसके अंदर क्या कह रहा है 100 ml मिल्क है। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर टू वाई, 20 ml वाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जो सेकेंड है तो 20 ml कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 80 ml ऑफ मिल्क रह गया हमारे पास में, और इतने अंदर कितना हो गया 100 + 20, दैट मीन्स कि टोटल हो गया 120, टोटल हो गया 120, जिसके अंदर से 20 क्या है बेटा, 20 है मिल्क और ये क्या है हमारे पास में वाटर, क्लियर। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि 20 ml ऑफ द मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग वेल, 20 ml ऑफ मिक्सचर y ट्रांसफर्ड बैक टू x। अब कह रहा है उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद में मिल्क और वाटर दोनों मिक्स हो गए। अब कह रहा है कि उसके अंदर से 20 ml मिक्सचर इसके अंदर वापस ले आए, वापस ले आए। अब वापस ले आए तो हमें पता होना चाहिए कि मिल्क कितना गया और वाटर कितना गया, तो यहाँ पे टोटल बेटा 120 ml है, 120 के अंदर से अगर हम मिल्क देखें तो मिल्क कितना है आपके पास में, मिल्क कितना है 120, ठीक है, कितना है 1/6 क्या है हमारे पास में मिल्क है, 1/6 मिल्क है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि 20 L लेके गया, तो अगर मैं 20 की बात करूँ 20 ml के अंदर, 20 ml के अंदर से देखे तो मिल्क कितना गया हमारे पास में 10/3 मिल्क, ठीक है, और वाटर कितना गया हमारे पास में, वाटर कितना था आपके पास में 100/120। तो अगर मैं 20 में से देखूं, यहाँ से 20 के अंदर से हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया आपके पास में 50/3 वाटर इधर चला गया हमारे पास और 10/3 मिल्क इधर चला गया, डन। तो उसके बाद में यहाँ पे हम देखें इधर, तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि इफ m denotes the proportion of milk in x and n denotes proportion of water in y. तो अब यहाँ पे x के अंदर अगर मैं मिल्क देखूँ, x के अंदर बेटा हम मिल्क देखते हैं, तो that is equal to क्या कह रहा है ये, if m denotes milk in x, तो कितना मिल्क है, 80 ml पहले था, यहाँ से मिल्क और कितना आ गया 10+3 मिल्क आ गया, that means कि 250/3 मिल्क आ गया। टोटल मिल्क कितना है एक्स के अंदर 250/3। अब एन किसको डिनोट कर रहे हैं, हाँ जी जो वाई कंटेनर है उसके अंदर वाटर को, वाई के अंदर वाटर कितना है, तो अगर वाई के अंदर हम वाटर देखें तो वाई के अंदर पहले 100 ml, एक मिनट, क्या है बेटा, एक्स कंटेन्स मिल्क एंड वाई कंटेन्स वाटर, थोड़ा सा यहाँ लिखने में वो हो गया चूक, तो इसको थोड़ा सा लिख ले, देख लेना, दिस इज 100 ml वाटर, फिर दोबारा मैं वाटर लिख रही हूँ, ये मिल्क है, फर्स्ट के अंदर मिल्क है और सेकंड के अंदर बेटा वाटर है,
फर्स्ट के अंदर 100 ml मिल्क है, सेकंड के अंदर 100 ml वाटर है, ठीक है। अब उसके बाद में 20 ml अगर उधर चला गया तो इसमें मिल्क कितना रह गया, 80 ml मिल्क रह गया। अगर इसमें 20 चला गया तो टोटल कितना हो गया मिक्सचर, 120 मिक्सचर रह गया, जिसमें कि 100 क्या है वाटर है, 100/120 वाटर है, ठीक है। और मिल्क कितना है, 20/120 मिल्क है। अब बात करें कि भाई 20 वापस इसके अंदर ट्रांसफर करा, तो हमने ये देखना है कि कितना इधर आएगा x के अंदर, तो x के अंदर कितना आएगा, इसका हमने 20 का फाइंड आउट कर लिया, 10/3 मिल्क, और वाटर कितना आएगा, 50/3। पॉइंट इज क्लियर। अब दोबारा देखते हैं, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई मिल्क की, मिल्क कितना था 80, और 10/3 बेटा वहां से आ गया, टोटल कितना बन गया, 250/3। अब अगर हम n के अंदर देखें तो n के अंदर क्या है, वाटर। n के अंदर पहले कितना वाटर था, n के अंदर कितना वाटर था, 100 ml था। अब उसके अंदर से ये वाला जो वाटर है ये तो x में चला गया, जो y के अंदर 100 ml वाटर था उसमें से 50/3 ml x में चला गया, दैट मीन्स कि इसको हम माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो अगेन वैल्यू कितनी आ गई, 50/3। n की वैल्यू क्या है, 250/3, m की वैल्यू क्या है, 250/3, दोनों वैल्यूज 250/3 है, दैट मीन्स कि m और n क्या हो गया हमारे पास में, इक्वल हो गया। So your answer will be option A. Clear? Next देखेगा। हाँ जी, next question है screen पे क्या है? A pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D, E in household. B, C, D, E corresponds to 90 degree, 50 degree, 45 degree and 75 degree respectively. Then what is the percentage expenditure of A? A का expenditure क्या? तो अगर हम बात करते हैं pie chart की, तो pie chart के अंदर अगर हमारे पास में 5 हैं, तो यहाँ पे मान लो ये हो गया 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। और you can say this is A, B, C, D and E. Done. अब उस केस के अंदर आपको ये क्या कह रहा है कि भी जो एंगल है, एंगल किस किस के कोरस्पॉन्डिंग दे रहा है, बी सी डी ई के कोरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है। तो बी का एंगल कितना है, 90 डिग्री, सी का है आपके पास 50 डिग्री, डी का है आपके पास 45 डिग्री, और ई का है आपके पास में बेटा 75 डिग्री। क्लियर? तो ए का एंगल कितना रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो जो टोटल ये एंगल बनता है तो टोटल कितना होता है आपके पास में, 360 डिग्री होता है। अगर हम एंगल की बात करें, इन दैट केस दिस इज 360 डिग्री। अगर आप परसेंटेज की बात करो देन दिस इज 100%। इस पॉइंट का ध्यान रखना सभी ने, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करें कि भी ए का कितना एंगल रहेगा, ए का कितना परसेंटेज रहेगा, तो पहले ए का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम देखें ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 में से अगर इन सभी को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में ए की वैल्यू आ जाएगी 360 के अंदर से। अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं 90 डिग्री कितना रहेगा, 270 माइनस 50, 220 माइनस 45 माइनस 75, तो कितना रह गया ये आपके पास में, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 150 और 290, ये हो गया आपके पास में 7 और 4 11 12 120, 50 70 140 260, 260 360 में से माइनस किया मैंने, बच गया मेरे पास में 100। कितना आ गया आपने पास में, 100 डिग्री आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, दिस इज 100 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज अब हमें पता है कि 360 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 100%। सो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 100/360, एंड 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 100/360 × 100। ओके, सॉल्व करेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास में, ये हो गया 4 से 4 × 36, और ये हो गया आपके पास में 4 से 25, 250/9। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 250/9। ओके, क्लियर? कोई इसमें डाउट? पाई चार्ट जब मैंने कराया था तब डिटेल में कराया आपको, पाई चार्ट पे तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सारे किए हैं, पाई लाइन ग्राफ सारे के सारे मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये क्लियर हैं तो, मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि सी सेट के अंदर बेटा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बट यहाँ पे आपके पास में लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लॉजिकली स्ट्रांग हो, थोड़ा सा अर्थमेटिक में स्ट्रांग हो, तो आप इजीली कर लोगे।
तो वही है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 इंटू 14 इंटू 13 डैश अप टू 3 रेज टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर एंड देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर m, m की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अगर मैं देखूँ 3 के मल्टीपल 15, 14, 13 अप टू अगर हम बात करते हैं 1 तक के, तो बेटा 3 के मल्टीपल कितने होंगे, 3 रेज टू पावर m इंटू n कह रहा है वो, n के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट अगर मैं 3 के मल्टीपल चेक करूँ तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से आपके पास में, 15, 12, देन 9, 3, यही है 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स अगर मैं सिर्फ चेक करूँ, साथ में हम ले लेते भाई n हो गया सारा का सारा चेक कर, ठीक है ना, n नहीं है, n तो बाद में आएगा पावर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ क्या होंगी पावर के अंदर, तो 3 के अंदर बेटा एक पावर तो आएगी, 3 इंटू 5 होता ना, 3 इंटू 5 एक पावर यहाँ से आ जाएगी, 3 इंटू 4 एक पावर यहाँ से आ जाएगी, पावर ऑफ 3 अगर हम देखें यहाँ पे, 3 इंटू 3 दैट मीन्स कि 2 पावर्स ऑफ 3 आर हेयर, 3 इंटू 2 1 पावर एंड 1 पावर, ओफो क्या लिख रही हूँ मैं बेटा, जब हम पावर्स की बात करें 1 इसमें से आएगा, 1 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, 1 इसमें से आएगा और 1 इसमें से आएगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल पावर की बात करें तो टोटल के लिए सभी को ऐड कर दो, कितना आ गया, 2, 2, 4 और 2, 6 दैट मीन्स कि 6 पावर्स ऑफ, एंड तो हम ये कह सकते हैं दिस इज 3 रेज टू पावर 6 इंटू एन, 3 रेज टू पावर 6 इंटू एन। कोई इसके अंदर डाउट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया आपके पास में, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, हाँ जी अच्छी सीरीज थी ये, एक ऐसी सीरीज थी जिसको आप मल्टीपल लॉजिकल से सोल्व कर सकते हो, तो हो सकता है कि अलग अलग कैंडिडेट्स ने अलग अलग लॉजिक यहाँ पे लगाया हो। तो एक तो अपने पास में अगर हम देखें 2, 12, 36, 80, 150 एंड x, तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने लॉजिक लगाया होगा डबल डिफरेंस का, तो डबल डिफरेंस से भी सॉल्व हो रही है, डबल डिफरेंस से भी सॉल्व हो रही है, और दूसरा अगर हम देखें मल्टीपल तो उससे भी हो रही है, दोनों से बताती हूँ मैं आपको, दोनों से इसलिए बताती हूँ कि आगे अगर आप कोई नंबर सीरीज करते हो तो मल्टीपल लॉजिक्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस है बेटा, 10 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 से 6 गए 4 और 7 से 3 गए 4, यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया 70, क्लियर। अगर आगे फर्दर इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस हो गया 14, यहाँ पे आपके पास में डिफरेंस हो गया बेटा 20 का, यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का हो गया, 10 से 3 4 गए 6 और 6 से 2 26 का, ओके। फर्दर अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 6 और 6 का डिफरेंस बन रहा है, 6-6 का डिफरेंस बन रहा है, मल्टीपल डिफरेंस चल रहे हैं, तो अगर मैं आगे इसको बढ़ाऊँ तो 6 के डिफरेंस से तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी 32, ओके। अगर इसको आगे मैं बढ़ाऊँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 102, 102 जब मैं इसके अंदर ऐड करूँ तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 252 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। एक तो ये हो गया अपने पास में, बिल्कुल सिंपल लॉजिक था, इस तरह से कर सकते हो। दूसरा भी लॉजिक है इसका, अगर यहाँ पे देखो मैं करती हूँ 1² + 1³ कितना आएगा आपके पास, 2, 1² = 1, 1³ = 1 = 2, 2² = 4 एंड 2³ = 8, 8 and 4 = 12, 3² = 9 एंड 3³ = 27, 27 + 9 = 36, 4² + 4³ कितना आ गया आपके पास में, 80, 5² + 5³ कितना आ गया बेटा जी, हाँ जी 150 आ गया। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, 6² + 6³, 6² + 6³ दैट मीन्स 36 + 216 कितना आ गया आपके पास में, 6 और 6 = 12, 4 और 1 = 5, 252, ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट आर टू बी यूज्ड टू फॉर्म ए पासवर्ड, सच पासवर्ड हैज़ टू बी स्टार्ट विद ए वोवल, कह रहे पहले क्या आना चाहिए, वोवल आना चाहिए,
एंड विद कॉन्सोनेंट, एंड विद कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और बीच में क्या आएगा, फिर सीधी सी बात है बीच में अपने पास में क्या आ जाएगी, डिजिट्स आएंगी। तो डिजिट्स क्या ले रहा है, वो 0 to 9, क्लियर। तो अब देखो, जब अगर हम इसके पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या आना चाहिए, एक वॉवल आनी चाहिए, एक डिजिट आनी चाहिए और एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। वॉवल पहले आएगा, वॉवल कितने होते हैं आपके पास में, 5। नॉन जीरो डिजिट्स कितनी है, 9, 1 to 9, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं आपके पास में, 21। सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 945। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 945 will be the correct answer. Done. Next देखिए, there are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns. 9 cups हैं, उनको arrange किया है equal rows and columns के अंदर. That means कि 3 rows and 3 columns. Clear? अब उसके बाद में क्या कह रहा है वो कि out of which 6 cups coffee. 6 के अंदर क्या है, coffee है. And 3 cups contain tea. 3 के अंदर tea है. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? एक कप तो कॉफी का होना ही चाहिए, ये कह रहा है। अब देखिए, एक कप कॉफी का होना चाहिए, हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक कप कॉफी का है, एक कप कॉफी का है, कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 2 कप कॉफी के हों, ऐसा भी हो सकता है कि 3 कप कॉफी के हों, एटलीस्ट कहा है 3 कप कॉफी के हों, हो गया, क्लियर है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब 3 टी के हैं, तो इस केस के अंदर हमारे पास में यहाँ पे टी हो सकते हैं, यहाँ पे टी हो सकते हैं, यहाँ पे टी हो सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, इस हम फर्स्ट रो के अंदर ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक कप कॉफी का है, क्योंकि 2 कप टी के हैं, 2 कप टी के हैं, ऐसा भी तो हो सकता है टी कॉफी टी, ठीक है, टी टी कॉफी, है ना, ऐसे भी हो सकता है। दैट मीन्स कि इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, पहले तो इसको देखो कि इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। इसको हम अरेंज कर सकते हैं बेटा 3C1, 3 आपके पास में प्लेसेस है और कॉफी का एक कप है, तो 3C1, इसको कैसे करने गए 3C2, इसको कैसे करेंगे अरेंज 3C3, क्लियर। बट अब दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक और भी तो पॉसिबिलिटी, ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ पे जो 2 कॉफी के कप और एक टी का कप है, ये ऊपर वाली लाइन में आ जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नीचे वाली लाइन में आ जाए, या ये वाला यहाँ पे चला जाए। दैट मीन्स कि जो 3 है, 3 भी तो अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 किसके लिए ले रही हो बेटा, 3 रोज बन रही है ना, रोज के लिए, रोज को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, बाई फैक्टोरियल 3 वेज, बाई फैक्टोरियल 3 वेज, ठीक है। 3 रोज को जैसे हमने अभी पहले वो नंबरों का भी बनाया था ना, 1 2 3 मान के चलो, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे करके 6 बार ही कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो गया आपके पास में फैक्टोरियल 3। इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, 3C1, 3C2 एंड 3C3, कितना बन गया आपके पास में, ये हो गया बेटा 6, 3C1 इज इक्वल टू 3, 3C2 इज इक्वल टू 3, 3C1, 3C3 इज इक्वल टू 3, तो कितना आ गया 18 3 54। ओके, एक तो ये हो गया, एक साथ में और भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर मैं तीनों में 2-2 ले लूँ, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, ये भी तो हो सकता है। 3 ही तो हमें चाहिए टी के, तो एक एक टी का आ जाएगा, 2-2 कॉफी के आ जाएंगे, तो एक दूसरी जो पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास में, जो सेकंड है उसको हम उसके साथ में ऐड करते हैं, जो और आता है ना, देखो जब एंड आता है, दिस एंड दिस 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 दिस, उसके इसमें बेटा मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। मैंने कॉम्बिनेशन कराया तभी आपको बताया था कि कहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। जब और का केस आता है तो उसके इसमें क्या करते होते हैं, प्लस करते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास में, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, और या फिर और क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं उसको क्या करूंगी, दूसरे वाले को प्लस कर देंगे, और उसके अंदर हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि 2 कॉफी हो सकते हैं इसमें, 2 कॉफी इसमें हो सकते हैं, 2 कॉफी इसमें हो सकते हैं, इसमें टी हो सकती है, ओके। बट क्या ये इसी उसके अंदर होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले टी आ गई फिर कॉफी आ गई, ठीक है, या फिर सेकंड नंबर पे टी आ गई या फिर थर्ड नंबर पे टी आ गई। दैट मीन्स कि जो कॉफी है, कॉफी को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 3C2 से, 3C2, 3C2, ओके। तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये यहाँ तक है, कंबाइन मत करना दोनों को,
तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3c2, दैट मीन्स की 3 × 3 दैट मीन्स 27 बेस, 27 बेस। ये कितने थे 54, ये कितने हैं 27। क्या करना है, प्लस प्लस, क्यों, बिकॉज दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज अपने पास में बन रही है। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 54 प्लस 27 दैट मीन्स 81। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 81 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। तो ये जिसका भी, जिस भी स्टूडेंट का हमने पेपर, जैसे किसी का भी है पीडीएफ से, जैसे यहाँ पे पिक ली है बेटा, तो यहाँ पे उसने वन आंसर किया है, तो आप ये बताओ कितने बच्चे वन आंसर करके आए हैं। हाँ जी, जितने भी वन करके आए हैं उनका हो गया रोंग, जितने भी आंसर करके आए वन उनका हो गया रोंग। देखो कैसे, उसने क्या कहा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस लगातार, इंटीजर, इंटीजर्स उठाने। अब जब इंटीजर की हम बात कर रहे हैं तो ऑल नेगेटिव वैल्यूज कम्स अंडर इंटीजर, जीरो कम्स अंडर इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यूज कम अंडर इंटीजर। दैट मींस कि अगर मैं लेती हूँ -1, 0 और 1, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, सम करेंगे क्या आएगा, 0। दैट मींस कि एक तो यही हो गया अपने पास, ठीक। अब दूसरा देखो, अगर मैं लेती हूँ 1, 2 और 3, हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास में, 6, ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास में, 6, ओके। तीसरी पॉसिबिलिटी भी, माइनस की वैल्यूज भी तो ले सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -6, ऐड करेंगे क्या आएगा, -6, ओके। सो देयर विल बी द आंसर ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। जो भी 1 आंसर करके आए उनका रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था, कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म 0.xy वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो x की जगह पे अगर मैं बात करूँ बेटा, x की जगह पे क्या आ सकता है आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी आ सकता है। तो पूरा 9 का 9 आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 9 में से कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं y की, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। हाँ जी, y की अगर हम बात करें तो y के लिए क्या आएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 0.xy दैट x एंड y आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग नंबर है, मीन सेम नहीं होना चाहिए। तो जो एक डिजिट मेरी यहाँ पे x के लिए आ चुकी, 1 से लेके 9 तक कोई भी हो सकती है, वो y के लिए तो नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि बचे कितने, 8 डिजिट, कितना आ गया 8। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 72 टाइप से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, देयर कैन बी 72 नंबर्स यहाँ पे आपके पास में बन सकते हैं, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज में से, क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 40 kg एंड एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। एफ का वेट किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, तो सभी का वेट किसके इक्वल होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है, अगर आपके पास में एवरेज गिवन है तो टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 है तो कितना हो गया आपके पास में, 120। उसके बाद क्या करें, बी डी और ई इसका वेट कितना है, 42। अगेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया आपके पास में, 126 आ गया बेटा, ओके। अब साथ में उसने क्या कहा, द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, एफ का वेट किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। अब देखो बेटा, अगर हमें ए बी सी डी ई एफ का वेट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स व्हाट वी वांट, ए बी सी डी ई एफ का सबका सम मुझे चाहिए, और अगर मैं उसको 6 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, ए बी सी डी ई प्लस एफ ये चाहिए। अब मुझे पता है कि ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 120। डी ई इस बी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, एफ,
उसने कह रहा है कि बी इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू एफ, दैट मीन्स कि वी कैन रिप्लेस बी बाई एफ। तो यहाँ पे इसका अगर मैं कहाँ पे कहूँ कि भाई इसको कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पे बी, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया बी ई बी डी ई आ गया, और ये कितना है 126। तो सबका अगर मैं टोटल कहूँ तो कितना आ गया आपके पास में 243। एवरेज मुझे फाइंड आउट करनी है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे 246 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 24 6 × 6 दैट मीन्स कि 41। सो योर आंसर विल बी 41 kg, कितना आ गया 41 kg विल बी द करेक्ट आंसर। डन, हाँ जी बताइए किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो। तो यहाँ पे बेटा सी सेट के पेपर के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया जाए, कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन फुली डिटेल सॉल्व किया है हमने। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई माइनर सा डाउट आता है, कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। सी के साथ साथ में 23 के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वेरियस कोर्सेज का फॉर सी सेट, तो आप वहां से उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो न्यू यूज़र हैं चैनल पे, उन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो बेटा यूट्यूब पे अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हों तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट सभी टाइप्स मैंने आप लोगों को कवर करवाई है, सभी टाइप्स मैंने आप लोगों को कवर करवाई है। यूट्यूब पे मैं अवेलेबल होती हूँ, तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं, तो सारा कुछ एक तरह से पेपर आया हुआ था। जिन्होंने फॉलो किया है वो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते थे 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़ के, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने नहीं करवाई, ज्योमेट्री थोड़ा सा ना यूट्यूब पर मैंने नहीं करवाई, बट प्रीवियस ईयर के अंदर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप लोगों को, ओके ना, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के भी प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर आप कर सकते थे। तो अभी 2023 के अंदर जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी अगर किसी भी कंटेंट की ज़रूरत है, क्वांट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश, तो बेटा सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपकी कोई क्यूरी है। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे 2023 के बैचेस के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।